लेकिन तो डॉक्टर कर के ना फूल के बाद
जब तक मैं घर में रहता हूँ तब तक अपनी शाली सूरत में दिखलाना, वरना जिस दिन तक इस पत्र दिखला जाएगी जान ले लूंगा। लड़की छुप छुप के घर में रहने लगी, बाप के साथ जब तक घर में रहे तब तक लड़की सूरत नहीं दिखलाती रहती। लेकिन भैया बेटी का जीवन मत हो जाता है, गाने का भाव है। अरे बेटी ससुर आने, बेटी ससुर आने, अरे धन खाता आशीर्वाद भर जाए, बेटी ससुर आने
और डॉक्टर साहब दिवाली के लिए पहुंच जाते हैं। भाभी कहती थी साथ मैं कहती थी ना एक दिन तेरे पति आएंगे, दिल को आ गए खुद बुलाने के लिए कौन आए हैं। लड़की के दिल में आशा हो जाती है लेकिन भाई गाने का तेरी फिर से जीवन में है। नमक है अलंकार कहती कि लड़की का नाम ऊषा लेकिन गाने का भाव है कि ऊषा भरी लाली ना भागे भेरा तबेरा फिर से जीवन में है। ईसा की भाभी बात करके अकेली मजाक समझाने लगी है। हर सावली ईसा फिर भी है सुंदर उसे प्यार दीजिए बताने लगी है। ईसा की भैजाई डॉक्टर साहब से कहती है कि डॉक्टर साहब नव गई चलिए उसे बात खोल ला करण जी बोल कहे तो कहदा दिल खोल के करे कि चलिए अकेले में आवा तो कही भैया शकरण जी तेल मजाक करो बड़ा खुशी से अकेले ले लें तो कह रहे हैं तेरे बाबू पहले लिखल आदमी समझाए रहते हैं। एक बात कर कि मालिक ने है ये किराना लगाया ये काला या गोरा उसी ने बनाया कहो सावली का गुजारा न होगा सभी फिर भी हजारा न होगा। एक ही ननद प्यार हमने किया है सख्ती निसार दहेज दिया है हटा दो दहेज की जंजीर बाबू सवारा मोहब्बत की तस्वीर बाबू नई रह चलिए जमाना नया है जवानों को अब तो कराना नया है तभी मेरा भारत का उपकार होगा गरीबों का संकट से उद्धार होगा। सभी ठीक है डॉक्टर मुस्कुराया विदाई नहीं सा दम कराया डॉक्टर साहब कहे बड़ी बढ़िया बढ़िया बात करूं चलो जल्दी विदाई कराया दूरी जाए के हैं विदाई है लेकिन लेकिन विदाई के बाद बड़ा दुखद होगा जब दोनों बेटी विदा होगी वहां का भाव है कि लड़की एक बार ससुराल का पैसा करके आई थी भी समझा कर चलने के लिए तैयार होती है जिसे पकड़ ले बाप के मतारी के भाई के छोड़े ना बिराई के भाव आते हैं मेरे पीछे वाला
की भांति कमरे में पहुंच जाते हैं। रोज जो काम है वही काम से बदल के पहुंच गए कमरे में और पहुंच के लेके कि मारे फिर करें एक पैर पकड़ कर उन्होंने कहा कि मारिए मत, मेरा भाई आ मैं उसके साथ भोर में चले जाऊंगी, आप कह चुके हैं कौन करे जाएगी तो फिर वापिस आएगी, आज तुम्हारी ऐसी बुराई करूंगा फिर आने जाने का झंझट नहीं रहेगा। बात बुलंदिया और लड़की को गोली चला दे बहन का सदमा नहीं सह सका और दोस्ती के हाथ में डॉक्टर साहब लड़के को उठाकर कमरे में रखकर ताला बंद कर देते हैं और लड़की के साथ क्या व्यवहार करते हैं मरने के पश्चात। लेकिन गाने का भाव है चार लाइन समझौता है कि समाज के ठेकेदारों का कब तक ये कानून चलेगा, दहेज का बहु बेटियों का नाजायज खून बहेगा, इस दहेज की बड़ी बेटी पर कितनी ननमाएं मरती है, कितनी राधाएं डूब मरी, कितनी सीताएं जलती है। मैं कहता हूँ ये हिंसावादी झूठे रीति रिवाज बदल दो, जो न करे जीवन की रक्षा और बेशरम समाज बदल दो। कहना कि जिस दहेज के लिए मांग मलैया के लिए रुपये के लिए आए दिन बेटी को जान देना पड़ता है, कोई डूब के मरती है, कोई जल के मरती है, कोई फांसी लगाती है, तो भैया किसी को जबरन रोज पेपर में खबर निकलती है किसी को जबरन रुपये के लिए मारा गया, तो ये रिवाज ठीक नहीं। भैया बात अभी सामने क्या की प्रमाण आज हम व्यवहार लड़की के साथ क्या हुआ मरने के पश्चात मारा पापी
को लेके जब चले तो लड़की का अस्सी सजा के ठीक करते हैं कि ले चलो खुद को पता नहीं चलेगा। कफन के नीचे जो खून में कपड़ा रहते हैं कफन में नीचे रख के बांध लें, घर का खून धोकर साफ करेंगे, लाश लेके घर से निकले हैं वहां का भाव। अरे पहली क्या बीमारी पापी का गुरनाथ उठ बंद जहरू चौकीदार मंगलोर थाने का कफन के खून का निशान देखा, जाके थाने में खबर किया, सुबह जाकर घर के लाश में करिए कफन के खून का निशान था, उस बाल में काला नजर आ रहा है, इंक्वायरी किया जाए। जब तक से इंक्वायरी करने वाले यहां है कुछ देर हो गई, इतनी देर में ले जाकर जैसे देर होने का फायदा उठा लिए कि अगर लाश को फूक के घर चले आए, काला खुलन की दिक्कत है तो भाई मरे की बचत काला खुलन को होश आगे लगा के छटपटाप रखते। कहा कि मेरी बहन कहां है, सब कहते तेरी बहन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कहा कि ऐसा क्योंकि हमें लाश ही दे दिए थे तो अपने मां बाप को अंतिम बार का चेहरा मैं दिखला देता। बात के साथ कहते कि ज्यादा जवान मत चलाओ लड़की, बात मेरी गौर से सुन लो, जो हुआ सो हुआ, आगे क्या करना है कि बोलो डॉक्टर फेंक देना चुनिया पलो दरोगा जी देख रहे हैं सब लोगों के चेहरे को देखते देखते लड़के के चेहरे जाती कहते हैं कि ये लड़का आप लोगों से कुछ ज्यादा ले रहा है, ये कौन है? ये दुल्हन का भाई है, कल ही आया है। और भैया दरोगा जी पूछते बोले बेटा जो ये लोग कैसे ठीक है, कहा जो कहते हैं सब ठीक है, यदि कुछ नहीं दिखला पाया दिखने बोल नहीं पाया। और भैया दरोगा जी पाए लिख के चल देते हैं, चल देते हैं। इधर लड़के से सब कमरे फिर बंद कर दिए, एक कमरे छटपटा रहा कि मेरी बहन का खून मेरे सामने हुआ, अरे कुछ कर नहीं पाया, अरे तो है आखिर बिना है
से कहा कि मेरी बहन का खून मेरे सामने हो गया, मैं कुछ कर नहीं पाया। लड़का अपने बात कर लिया और उसी थाने में जहां दरोगा दरोगा इंक्वायरी कर चुके थे, फिर से रिपोर्ट दिखाया। आस पास के चार आदमियों को लिया मदद में कि मेरी मदद कीजिए, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो भैया हर जगह दो चार भले आदमी मिल जाएंगे मदद करने वाले, फिर से थाने में फिर से रिपोर्ट लिखाया गया और फिर से इंक्वायरी में दरोगा जी निकलते हैं। जाकर कहते हैं डॉक्टर साहब आज घर की इंक्वायरी हो गई, लेकिन जरा जगह दिखला सकते हैं यहाँ लड़की को जलाए हैं। कहते चलिए दिखला दी यहाँ क्या है, सब कुछ तो रात हो गया। अरे भैया धन्य बनाते हुए निकलते आगे बिना कहते हैं उनके पीछे करेगा जी, उनके पीछे धर्म उनका पिता और उसके पीछे दो चार आस पास के और आदमी लोग चलते हैं। जब तो जगह से साधा के साथ कहते हैं यही जगह है जहाँ मेरी दुल्हन बनाई गई। दरोगा जी कहते थोड़ा पीछे मैं देख लेता हूँ जगह को, देखिए इंसाफ है करवाने का, अपनी तरह से सब कुछ मिटा दिए लेकिन चोरी हत्या पाप छिपता नहीं। दरोगा जी की पास ही राखी अपने हाथ हटाए, अरे बेटा चोर खोलो गोली का हड्डी नजर पाए था, सब भाग पकड़ तमाम हाथ कहीं रुक होते। दरोगा ने अपने हाथ से राखी चिता के हटाते हैं, अगर राखी हटाते हैं तो इस हड्डी में गोली के चार छड़े लगे थे, हड्डी उधर के ऊपर आते हैं। इन सब कुछ जल गया लेकिन असल गवाही देने वाली जो चीज थी बची रह गई, ये मालिक का इंसाफ है। स्वयं बताया इसे, इसी ने बताया, ऊपर वाले ने बताया कि नहीं बनी, सब कुछ जल गया था लेकिन वो पड़ी रह गई इसी ने। मेरे दादी उठा लेते हैं, कहते हैं जरा देखिए तो ये आपके बंदी से चलाई हुई गोली जो छड़े हैं कत्ते को बोलत नहीं है, हाँ नहीं लगे हैं ताकत तब तक से पुलिस के जवान मेरे डाल मारे एक थप्पड़ में सब बात कभी कर लेते हैं, कभी तक